दोस्तों उड़ीसा ट्रेन हादसे में ऐसी कंडीशन देखी गई है कि जो पेशेंट बच गया है, यानी जिनके हाथ पैर या कहीं पे चोट लगी है, उनमें एक बीमारी डेवलप हो रही है जो कि बीमारी काफ़ी ज़्यादा जानलेवा होती जा रही है। इसमें डॉक्टर के द्वारा कुछ मेडिसिन उपयोग करके और उनके बिहेवियर के हिसाब से जो है उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। तो ये बीमारी कौन सी है उसकी जानकारी यहाँ पे आपको मिलने वाली है। तो इस बीमारी की बात करें तो ये बीमारी है PTSD, जिसको पोस्ट ट्रामेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहा जाता है। ये बीमारी उस कंडीशन को कहा जाता है जब किसी के सामने कोई दर्दनाक घटना घटित हुई हो, जैसे कि ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, तो उस समय लोगों के जहन में एक भय, एक डर जैसा महसूस होने लगा था। तो उसी बीमारी को PTSD डिजीज कहा जाता है। ये बीमारी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती है। ये बीमारी जानलेवा भी हो सकती है, क्योंकि इस बीमारी से ग्रसित लोग रात में और दिन के टाइम हमेशा उनकी थिंकिंग जो है निगेटिव रहती है, यानी हमेशा उस हादसे के बारे में सोचते रहते हैं। और उनको उस हादसे के बारे में जब सोचते हैं तो उनका माइंड जो होता है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उनको कई सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जैसे कि उनको नींद नहीं आता बराबर, यानी अगर वो सोना चाहें तो इस हादसे की वजह से वो सो नहीं पाते। अगर हम कुछ अदर चीज़ों की बात करें तो जैसे कि इस डिसऑर्डर से जो जो पीड़ित होते हैं, पोस्ट ट्रामेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर भी कह सकते हैं इसको, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिनको ट्रामा यानी जो इस कंडीशन से गुजर चुके हैं उनको अवॉइड करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सोचने के बारे में, यानी उनकी थिंकिंग जो है वो कह सकते हैं कि उनको सोचने का मौका नहीं देना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो उस बीमारी से बचा सकते हैं। अवॉइड टॉकिंग ऑफ द ट्रॉमा, यानी उस एक्सीडेंट के बारे में उनसे आप बातचीत ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर कुछ अदर की बात करें तो जैसे कि इजिली फ्राइटेंड, उनको तुरंत अगर भयभीत हो रहे हैं तो उनको जो दो चार के ग्रुप में रख के, जिससे उनको भय ना महसूस हो। निगेटिव मोड, उनका जो शारीरिक स्थिति कह सकते हैं, वो कभी भी निगेटिव चीज़ों के बारे में थिंकिंग ना करें। अगर बात करें तो निगेटिव थिंकिंग अगर उन पे हावी है, उनको स्ट्रेस होगा, उनको नींद नहीं आएगा, उनको हाइपर टेंशन की प्रॉब्लम भी हो सकती है क्योंकि भय की वजह से। ऑलवेज गार्ड, उनको हमेशा कवर रखें, यानी उनको बचाएं कि वो अकेले ना रहे या उस हादसे के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा ना सोचे। अवॉइडिंग पैलेस से, यानी जिस जगह पे एक्सीडेंट हुआ हो उस जगह से उनको दूरी बना के रखना चाहिए। अवॉइडिंग एक्टिविटीज, कुछ एक्टिविटी भी जैसे कि आप उनको टेलीविजन पे ये सारी खबरें मत दिखाएं, इसकी वजह से भी इनको प्रॉब्लम हो सकती है। प्लस बैक, उनको पुरानी यादें भी नहीं दिलानी चाहिए कि ये चीज़ें आपके साथ हुई हो। अगर बात करें तो जैसे कि अगर कंसंट्रेशन उनका मेंटेन रखना चाहिए, एग्रेसिव बिहेवियर यानी अगर उनमें एग्रेशन आ रहा है तो उसको भी कंट्रोल करवाना चाहिए। लॉस ऑफ इंटरेस्ट, यानी उनका किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता, तो धीरे धीरे उनका किसी ना किसी चीज़ में मन लगवाना चाहिए। फीलिंग गल्टी ऑफ सेम, यानी वो अपने आप को गल्टी फील कर रहे हैं तो उसको भी अवॉइड करवानी चाहिए। सब्सटेंसेस अब्यूज, यानी उनको गालियाँ भी नहीं देनी चाहिए। स्लीपिंग डिफिकल्टी, उनको रात के टाइम सोने में अगर दिक्कत होती है तो उनको इस हादसे के बारे में कोई भी बात ना करें। बैड ड्रीम, अगर वो सोते हैं तो उनके ख्वाब में यानी उनके सपनों में ये सारी जो घटनाएं घटित हुई हों, दर्दनाक घटना घटित हुई है, उनके बारे में आती रहती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा उनका जो है एक काम करें, उनको इन सारी चीज़ों से अवॉइड कराएं। अगर हम बात करें इसमें किस प्रकार की मेडिसिन डॉक्टर के द्वारा दी जा रही है ऐसी कंडीशन होने पे, तो यहाँ पे जो PTSD ट्रीटमेंट की मेडिसिन है वो खासकर मेडिसिनल पर्पज़ जैसे कि हॉस्पिटलाइज यूज के लिए है। इनमें एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन जैसे कि सेट्रालिन,
मेडिसिन या प्रोजिटीन मेडिसिन, ये मेडिसिन दी जाती है डिप्रेशन को कम करने के लिए, एंटी एनर्जेटिक कम करने के लिए कुछ मेडिसिन दी जाती है, पैराजोसिन भी इसमें दी जाती है। तो ये कुछ मेडिसिन दी जाती है, उनको थेरेपी दी जाती है यानी फिजियोथेरेपी दी जाती है, जिससे उनमें जो प्रॉब्लम आई है डिप्रेशन की शिकायत, उनको नींद नहीं आ रही, बेचैनी हो रही है, घबराहट हो रही है, तो उनसे बचाया जा सकता है। और अगर आप उनके भय को निकालना चाहते हैं, घबराहट को दूर करना चाहते हैं, तो आपको हो सकता है 6 महीने से 1 साल तक लग जाए। तो ये दोस्तों छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ऐसी वीडियो और चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों।